जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ का पहला चैप्टर का थर्ड जो है वो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि आया कि कैरियर्स का जो है वो स्कोप क्या है बायोलॉजी के लिहाज से। अगर हम देखते हैं कि जी अक्सर स्टूडेंट्स ने जो है वो सुना होगा जी बायो में जो है किसी किस्म का स्कोप नहीं है, सिर्फ मेडिसिन के अलावा या डॉक्टरी के अलावा। आज हम लोग जो है इसके मजीद जितने भी जो कैटेगरीज हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन और सर्जरी के हवाले में। तो मेडिसिन सर्जरी में हम लोग देखते हैं, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में कहते हैं ये पेशा जो है इसमें हम लोग जो है मेडिसिन में ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं, बीमारी की तशखीस का इलाज करते हैं, उसमें तशखीस पहचानते हैं उसकी, फिर जो है वो देखते हैं क्या है उसमें जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह से उसका होगा और उसको डायग्नोज करते हैं। सभी मेथड जो है ह्यूमन के अलावा भी बकियां जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उन सब में हम देखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेडिसिन की हम बात की जाती है वो हम लोग जो है वो सिर्फ ह्यूमन के ऊपर उसको जो है अप्लाई कर होते हैं। तो इसके साथ हम देखते हैं मेडिसिन का अप्लाई, देखते हैं मेडिसिन का जो है वो हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से वर्क करती है, ये सभी चीजें हम देखते हैं। फिर अगर हम बात करें सर्जरी के केस में, सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है सर्जरी के हवाले से, इस केस में कहता है कि हमारे पास जो है वो बॉडी के मुख्य पार्ट्स हैं उनको या तो रिपेयर किया जा सकता है, अगर रिपेयर हो सकते हैं तो, या उनको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे के साथ, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात की जाती है, या अगर तो वो चीज जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारी जो है वो खराब हो चुकी है, बाजू की बात करें किसी एक्सरे में जो है वो खराब हो गया, बाजू का जो है फ्रैक्चर हो गया, अगर जरूरत पड़ी तो उसको जो हम बॉडी से रिमूव भी कर सकते हैं। ये सभी कैटेगरी जो हम मेडिसिन और सर्जरी के हवाले से पढ़ने में, इसलिए कि जो कॉमन एग्जांपल आपके बुक के सिलेबस के हवाले से है वो है जी हमारे पास रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स की बात करते हैं। रेनल सर्जरी की जैसे हम लोग अपनी बॉडी से जो है वो स्टोन्स जो किडनी में गुर्दे की पथरी जिसे अक्सर जो हम नाम से याद करते हैं इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके हवाले से जो रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम लीवर की बात करते हैं, इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, किडनी है ये भी हमारे पास होती है। रिमूव की बात करें जैसे आपको एग्जाम्पल की हमारा जो किसी भी एक्सीडेंट किसी भी हादसे में अगर कोई ऐसा मसला आ जाए तो उससे हम लोग जो अपनी बॉडी के उस बॉडी पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इन्हीं के हवाले से कि इस पेशे को जो है इस मेडिसिन या सर्जरी को अडॉप्ट करना, तो हमारे पास जो है इस पेशे को इंटर के बाद जो है या स्पेशलाइजेशन की जाती है, इसका एक कोर्स है खास MBBS, ये मेडिसिन के हवाले से इसको ज्यादा अप्लाई किया जाता है। हम मैट्रिक के इंटर के बाद लोग इंटर के बाद जो हम इस पेशे को जब वो अडोप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशरीज। फिशरीज में कहते हैं ये पेशा जो है ज्यादातर इसका जो काम है वो आपकी फिश प्रोडक्शन के ऊपर है, यानी कि किस तरह से हम लोग जो है फिशेज की बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये पेशा जो है वो अप्लाई हो रहा है कि लोग इसको जो अडोप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम मेजर जो हमारा जो कंसल्टेशन हमारी होती है, जो पहली तरजीह होती है वो ये होती है कि हम लोग जो है इस पेशा में फिश की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी दोनों को इनहेंस करने के बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर काम करते हैं कि किस तरह से हमारी फिश जो है उसकी क्वालिटी से मुराद जो है वो उसके अंदर गोश्त की बाकी उसके वजन की बात की जाती है, कितना उसके अंदर जो है वो मीट मौजूद है। अब इस क्वालिटी वाइज बात करेंगे, क्वांटिटी वाइज बात करें, नंबर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है कि इसके जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें कितने जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट अ टाइम जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इस तरह से इसको जो देखा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते कहते हैं इस पेशे को अगर हमने अडॉप्ट करना हो तो बैचलर या मास्टर्स के बाद हम जो है जोलॉजी में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जोलॉजी के बाद हम पेशे को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन जो हमारे पास है वो फिशरीज है। अगर हमने फिशरीज की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो जोलॉजी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर जो है इस पेशा में हम जो है फूड क्रॉप फसलों के हवाले से, इसके साथ एनिमल्स के सोर्स के हवाले से, यानी कि हम इसमें उन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं जो हमारी खुराक का जरिया है, चाहे वो फसलों की सूरत में है चाहे वो एनिमल्स की सूरत में, जो चीज हमारे पास जो है वो फूड का सोर्स है खुराक का जरिया हम उसको इस पेशे में जो है वो देख रहे होते हैं। मसलन ये आपके सामने जो है फसलों की बात की जाए जिसमें गंदम है अनाज से हम लोग जो है वो ये देखते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इन मवेशियों की बात करते हैं उसमें गाय भैंस भेड़ बकरी जो है वो चिकन है, ये सभी चीजें हम लोग जो है खाने पीने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी इस एग्रीकल्चर में जो है हमारी जो पहली कोशिश होती है जो एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है ये क्या करता है आपकी जो फसल है उसकी बेहतर पैदावार के लिए और इसके साथ एनिमल्स की बेहतर जो पैदावार है उससे अंदर गोश्त की बात इन सभी के हवाले से इनका सो पहला जो अमल होता है उनको देखना होता है आया कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है ताकि हम लोग उससे उतनी अच्छी खुराक हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जो है मुख्य किस्म के एनिमल्स की बात करें कि जो है वो केयर के हवाले से बात करें, ब्रीडिंग के हवाले से, हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं
उन सबको डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे होते हैं क्या कि हमारे पास एनिमल्स कितने हमारे लिए फेवरेबल है। इस पेशे को अडॉप्ट करने के लिए जो है हम सेकेंडरी एजुकेशन का अगर आपने इंटर किया उसके बाद आगे मजीद इसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, बैचलर के बाद या मास्टर्स के बाद हम जूलॉजी में हो हम इस पेशे को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के हवाले से, तो ये हमारे पास जो पेशा है मीन दैट आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी कि बागबानी का ये जो है एक हुनर है उसको हम देखते हैं। हम लोग जो है किस तरह से बागात को सजा सकते हैं उसमें आप लोग देखें सभी के सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स खुशबूदार या फूलदार प्लांट होते हैं, सभी प्लांट्स हैं वो ऐसे होते हैं जिससे हमारा बाग जो है हमारा बगीचा जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है। इस कैटेगरी में हम सभी उन्हीं प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी बाग के लिहाज से हमारे बगीचे के लिहाज से जो है वो ज्यादा जो है खूबसूरती का बहस हो। कहते हैं कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी जो है वो वैराइटीज को देखता है ताकि हम लोग जो है इनसे खुशबू भी और फ्लूटिंग प्लांट को भी डिस्कस किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कई बागात ऐसे होते हैं जहाँ पर फूलदार पौधे हमारे पास लगाए जाते हैं, उनमें जो है वो अक्सर आपने मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट वाले पौधे भी देखे होंगे फलदार पौधे भी होंगे। इसमें हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि इसमें फलदार और फूलदार दोनों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं इसमें इसी पेशे को अगर अडॉप्ट करना हो तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है हम इस पेशे को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मिंग के हवाले से, तो फार्मिंग में हम देखते हैं जी कहते हैं ये पेशा जो है फार्मिंग के हवाले से मेंटेनेंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स की हम बात करते हैं यानी कि एक जो फार्मिंग वाला की बात की जाए जी मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स की बात करते हैं तो इसमें हम जो है ऐसे फार्म्स की देखते हैं डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं यानी कि फार्म्स लगाते हैं जैसे आपके पास चिकन ये जो है वो फिश फार्म है, इसके अलावा से दूसरे फार्म्स होते हैं क्या उसे कहते हैं चिकन फार्म आ जाता है फिर जो है फिश फार्म आ जाता है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स होते हैं वो वहां पर हमने उन्हीं कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को जो है वो रखा होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके जो है हम अपने ही जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं या सॉरी एनिमल्स हैं उनको देखे होते हैं। इसमें हम लोग जो है चिकन फार्म की बात करते हैं जो ये चिकन फार्म्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जिसके गोश्त और उसके साथ जो है एग प्रोडक्शन को भी मद्देनजर रखते हैं। इसमें हम फ्रूटिंग फार्म की बात करते हैं तो फ्रूटिंग फार्म में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स को देखते हैं जो हमारे लिए जो है वो फार्मिंग के लिहाज से फेवरेबल होते हैं। और एक जो है स्टूडेंट ने अगर इस पेशे को अडॉप्ट करना हो तो इस पेशे को जो है वो एग्रीकल्चर के बाद या एनिमल हस्बेंड्री के बाद फिशेज के साथ जो है उसको अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री के हवाले से, तो फॉरेस्ट्री में हम बात करते हैं इसमें जो एक प्रोफेशनल होता है वो अपने इस कुदरती जंगलात के हवाले से इसको हम देखते हैं। फॉरेस्ट्री से मुराद जंगलात है, जंगलात के बारे में देखना उसके बारे में इल्म रखना इसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक जो प्रोफेशनल फॉरेस्ट्री की बात की जाती है तो वो क्या करता है कि जंगलात को कुदरती जंगलात जो होते हैं उसको देखने में उसके लुक आफ्टर करता है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइसेस करते हैं कि जी आप इन तरह से एक आर्टिफिशियल जंगलात को भी आप लोग जो है वो लगा सकते हैं ताकि हमारी एनवायरमेंट का माहौल जो है वो अच्छा हो जाए। इसमें एक कॉमन सी एग्जांपल आपके पास है एक छंगा मांगा जंगल जो है पाकिस्तान में मौजूद है लाहौर में, तो ये जो है वो एक आर्टिफिशियल कैटेगरी में ही इंक्लूड होता है। इसके अलावा से हम देखते हैं कि इसमें अगर हम बात करें इसका स्कोप के हवाले से किस तरह से स्पेशल को जो है अडॉप्ट किया जाए किससे हम लोग जो है इसको देख स्कोप की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए जो है वो काम कर रही हैं। इसमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से देखा जाए तो आप बैचलर या जूलॉजी के मास्टर्स में जो है इस पेशे को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं जूलॉजी बोटनी दोनों के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी जो है आपने पहला चैप्टर जो था आपका उसमें भी इस चीज को देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो इसमें हम बायोस में हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो इसमें कहते हैं जी हम लोग जो है ऐसी जो है वो चीजें बना रहे होते हैं जो इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित होती हैं बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे इंसुलिन की बात की जाए तो ये इस कैटेगरी के हवाले से है। कहते हैं स्पेशल हम क्या करते हैं ये जो है लेटेस्ट प्रोफेशन के हवाले से अब तो बहुत जो है वो इन हो चुका हुआ है। इसमें कहते हैं बायो टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं आपकी प्रोडक्शन के हवाले से किसी भी चीज के हवाले से देखा जाए जो इंसानियत के लिए या हमारे लिए जो है वो ज्यादा फायदेमंद हो सके और इस चीज को बनाने के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है। एक चीज है वो ये है कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है इस चीज को देखा जाए तो पहले जो था वो इंसुलिन की अगर बात की जाए इंसुलिन जो थी वो एनिमल से आके की जाती थी
लेकिन हम लोग जो है एक ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए उसकी डेथ करवा देते, वहां से दोबारा हासिल करने का जो था वो बहुत मुश्किल था और एक जानलेवा प्रोसेस था। तो हमारे अगर नजदीक के हवाले से देखा जाए इस्लामी फंडम के हवाले से एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे अगर हम ऐसे ही कई दूसरे जानदारों की बात करें तो उनमें भी जान के हवाले से जिक्र किया जाता है, उनका भी ख्याल करना चाहिए। इसलिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया से जो है हम लोग इसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो है ऐसी चीज बना रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी जो इंसानियत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो इसमें अगर हम बात की जाए तो इस पेशा को जो है या इस बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इसको करवा रही है। आपकी बायोलॉजी के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी, और उसके बाद आप बैचलर के साथ इस पेशा को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने अगर बोटनी के साथ स्टडी किया हो या जूलॉजी के बाद आप इसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। काफी अल्लाह हाफिज़।